मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर्विस लेटर क्या होता है। अब कई कंपनीज में वो बोलते हैं कि आपको सर्विस लेटर इशू करेंगे, कई कंपनीज में आपको बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर इशू करेंगे, कई कंपनी में बोलते हैं कि हम आपको रिलीविंग लेटर इशू करेंगे। तो एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या और ये क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सर्विस लेटर होता है या जो एक्सपीरियंस लेटर होता है या आपका रिलीविंग लेटर होता है, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट क्यों ऐड कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि कई कंपनीज में क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाता है, कई कंपनीज में आपको रिलीविंग लेटर भी दिया जाता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं वहाँ से कंपनी एग्जिट करने के बाद में। एंड कई कंपनीज में आपको सिर्फ सर्विस लेटर मिलता है। अब सर्विस लेटर का मतलब क्या है कि जैसे फॉर सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको अराउंड 6 मंथ हो गए हैं या 1 ईयर हो गए हैं या 2 ईयर्स हो गए हैं या 3 ईयर्स हो गए, वट एवर टाइम आपने उस कंपनी को दिया हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो कंपनी बोल देती है सर्विस लेटर। सर्विस लेटर क्या कि आपने उस कंपनी में इतने दिनों की सर्विस करी है या आपने उस कंपनी में इतने दिनों की जॉब करी है, तो बेसिकली वो होता है सर्विस लेटर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि नहीं, सर्विस लेटर अगर देगी कंपनी तो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेरा हो जाएगा जब आप किसी फ्यूचर कंपनी में जाओगे, या एक्सपीरियंस लेटर देगी तब हो जाएगा या रिलीविंग लेटर देगी तब हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर देता हूँ कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स कंपनी से ले लो, वो चाहे आपका एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे रिलीविंग लेटर हो और चाहे वो सर्विस लेटर हो, तो उसके थ्रू ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। जब किसी एक आप फ्यूचर एक्स वाई जेड कंपनी में जाओगे, हो सकता है आप ऑफर लेटर लेके बैठे हो या हो सकता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट हो रहा हो, तो उस केस में इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन नहीं है, इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि नहीं मुझे कंपनी ने सर्विस लेटर दे दिया पता चले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो जो सर्विस लेटर हो वो कंपनी के थ्रू इशू हुआ हो, मतलब कंपनी ने दिया हो, लीगल उस पर साइन हो, लीगल उस पर स्टैम्प हो और कंपनी का वो फॉर्मेट हो, क्योंकि जो फॉर्मेट आप देते हो नेक्स्ट कंपनी की फ्यूचर कंपनी को, जो भी एक्सपीरियंस लेटर ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर, वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली जो कंपनी होती है आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को भेजती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि जो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको आप छोड़ के जा रहे हो या छोड़ चुके हो, उस कंपनी में वो सेम अटैचमेंट भेजती है। फिर अटैचमेंट वो कंपनी जो प्रीवियस होती है वो वेरीफाई करती है कि ये मेरे यहाँ का फॉर्मेट है कि नहीं है, लीगल स्टैम्प साइन है कि नहीं है, देन जाके वो मेल पे रिप्लाई करती है कि हाँ ये सारा कुछ ओके, ये बंदा मेरे यहाँ वर्किंग था। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो इन द लास्ट आप तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, और कंपनी दो डॉक्यूमेंट्स दे रही है तो आप दो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे 1-to-1 मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, चार्जेबल कॉल होती है। एंड अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर 100% रिप्लाई करूंगा। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने फ्यूचर में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।